तो अभी देखिए, आज हम अपना जैसे कि स्वीट्स से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा ही होगा, आज मेरी सिस्टर की एनिवर्सरी है। इट्स अ फर्स्ट एनिवर्सरी। तो मैं आप लोग को बता दूँ, आज ना पूरा 1 ईयर हो गया माशाल्लाह। 2019 26 अक्टूबर को मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। आई नो वेरी वेल कि जो है ना, ये 27 अक्टूबर को मेरा अपलोड होगा वीडियो इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया उस दिन के, मैं इतना कुछ कर पाती, वीडियो वगैरह शूट करी, खाना बनाया काफ़ी, और उसके बाद बहुत थक गई थी। मुझको इतना बिल्कुल भी नहीं रहा, और जैसा कि घर में काम भी बहुत चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं रहा कि मैं कर पाऊँ। मतलब तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को अपने ब्लॉग में दिखाया, आज जो मैंने शुरुआत है वो मिठाई से की थी। तो और बहुत सारा सामान भी आया है, बलून्स आए हैं, चॉकलेट वगैरह आई है। तो आई होप आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा, आज कुछ स्पेशल है, समथिंग स्पेशल होने वाला है। तो पूरा ब्लॉग ज़रूर वॉच कीजिएगा मेरा, और कमेंट में फिर ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ, मेरी जो किचन का पेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं बना तो अपना दूसरा ब्लॉग रही थी, बट इत्तेफाक से ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, दूसरा ब्लॉग बन गया। और मुझे लगता है कि मुझे अपना ये वाला जो ब्लॉग है वो पहले अपलोड करना पड़ेगा फर्स्ट ब्लॉग से ज़्यादा, क्योंकि मैं मॉर्निंग से ही शुरू कर रही थी अपना ब्लॉग शूट करना, बट कुछ दूसरा शूट करना पड़ रहा है मुझे। लेकिन मैंने उसकी क्लिप्स भी ऐड कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वाला शेयर करूँगी ज़रूर, क्योंकि कर तो मैं इसमें भी देती, लेकिन क्या है ना कि इसमें फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं अलग अलग बना रही हूँ, दो छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं। और अभी देखते हैं क्या क्या करेंगे हम लोग, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा, पूरा स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। तो देखिए, यहाँ पे फिर जैसा कि आप लोगों को हम दिखाए हुए थे, मम्मी ने छोले भिगो दिए थे मॉर्निंग में ही जब पापा लेकर आए थे, तो फिर मैं किचन में लेकर आई, क्योंकि अब हम उसको बना रहे थे। और आज हम बना रहे थे, मैंने बनाए थे काबुली छोले और पनीर की सब्ज़ी आलू डाल के, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, तो छोले की जो रेसिपी है मैं ऑलरेडी अपलोड करने चुकी हूँ, अगर जो लोग भी चाहते हैं देखना ये रेसिपी तो वो देख सकते हैं। बट हाँ, मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया था, मेरे को ध्यान नहीं रहा मैं इसकी वीडियो बना लेती, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। फिर एक्चुअली लास्ट में ना थोड़ा सा रेसिपी चेंज कर दी मैं इस वजह से, तो फिर उसके बाद हम लोग रूम में आए, तो ये देखिए बलून फुलाए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे से लग रहे हैं, हवा में इतना उड़ रहे थे। फिर मम्मी एक पन्नी लेकर आई, देखिए मम्मी ने बोला इसमें रख लो, कहीं ऐसा ना हो ये ऊपर पंखे में जाके फट जाएँ सारे, बहुत सारे तो फट गए तो ऊपर जा जाके पूरे कमरे में बिखर गए। माशाल्लाह बहुत इंजॉय करा हम लोगों ने, बहुत ही मज़ा आया। फिर ये सब करने के बाद हम वापस से किचन में आए, और किचन में मेरी मम्मी ने बोला चलो पूरियाँ बना लेते हैं फटाफट से, उसके बाद इंशाल्लाह केक कटिंग करेंगे। तो यहाँ मम्मी घी डालने लगी पूरी बनाने के लिए, और हम लोग ने बहुत ही मज़ा करा आज माशाल्लाह, बहुत इंजॉय करा। हालांकि बिल्कुल छोटू सा था, बस घर के ही लोग थे, कोई भी नहीं थे इसके अलावा। और ये हमने सरप्राइज़ पार्टी दी थी अपने सिस्टर और जीजा जी को। तो जैसा कि आप लोग को आगे पता ही चलेगा, क्योंकि उनके यहाँ पर ना वो अपने ससुराल गई थी पहले, वहाँ पर उन लोगों ने एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा था, क्योंकि उनकी जो जेठानी है, सिस्टर इन लॉ है, उनको बेटा हुआ है, और वो लास्ट डे ही डिस्चार्ज होकर आई थी इस वजह से। तो वो देखिए, ये सब करने के बाद हम लोग आए, और ये देखिए यहाँ मेरी सिस्टर का केक कटिंग की जो वो है वो शुरू कर रहे थे, ये मेरे भाई केक बनवा कर लाया था। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही टेस्टी, लजीज था। तो बिस्मिल्लाह करके इन लोगों ने केक कट किया, ये देखिए। और फिर यहाँ पे हम लोग सब आए हुए थे, दूसरे रूम में आ गए थे, हमने कहा चलो सही ठीक है, वहाँ जाकर अभी कट करते हैं। आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, सो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि ना मेरा भाई गेम खेल रहा है अभी, तो उस चीज़ की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। और बाहर में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि बाहर की तरफ भी जो है ना थोड़ा सा शोर हो रहा है, तो वहाँ पर भी बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा आवाज़ें आएंगी, इस वजह से मैं यहीं पर हूँ। और ये देखिए केक कट हो गया था, उसके बाद सिस्टर ने जीजा जी को खिलाया, और उन लोगों ने एक दूसरे को खिलाया। फिर यहाँ मेरी मम्मी बैठी हुई हैं, फिर मेरी मम्मी बैठी, मम्मी ने दिया मेरी सिस्टर को सल पापा आए थे, बस
ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा केक कटिंग हुआ बस, तभी जो मतलब आए थे थोड़ी देर के लिए, कट हुआ सो ही चले गए थे। उसके बाद कट होने के बाद फ़ौरन ही चले गए थे केक कट होने के बाद। तो यहाँ पर देखिए फिर मेरा भाई आया, उसने फ़ोटो वगैरह खींचे, हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए आज। और देखिए और बहुत ही मतलब मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और 2019 में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, तो हम लोगों ने वो दिन अपने याद करे कि इतनी जल्दी ना 1 ईयर हो गया, पता भी नहीं चलो। अभी लास्ट व्लॉग कुछ दिन पहले मैंने बनाया है, हम लोगों ने अपने कपड़े ढंग से सेट करके रखे थे, तो फिर तो पता ही नहीं चला कि कभी 1 साल हो गया, इतनी जल्दी कुछ पूछिए नहीं। और मतलब बहुत ही क्योंकि यार तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया 2020 सभी के लिए, मेरे लिए नहीं सभी के लिए अच्छा नहीं गया, तो इस वजह से। और ये देखिए यहाँ पे मेरे भाई ने केक कट करके खिलाया, पहले चीचा जी को दिया, फिर उसके बाद सिस्टर को भी दिया। तो देखिए यहाँ चीचा फ़ोटो वगैरह उसने क्लिक कर बहुत सारे सेल्फीज ली। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही इंजॉय करा। तो अभी हम लोग अपने बड़े भाई को मिस कर रहे थे, वो नहीं थे यहाँ पर क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते, वो दूसरी सिटी में रहते हैं, उनकी जो पोस्टिंग है वो यहाँ पर नहीं है, दूसरी सिटी में है, इसलिए तो वो नहीं है यहाँ पर। बट हम लोगों ने फ़ोन पे उनको सारी वीडियोस भेजे, फ़ोटो भेजे और खूब सारा कॉल किया। और देखिए यहाँ पर मेरे भाई ने फिर क्या करा, सिस्टर के फेस पर सारा लगा दिया केक, क्योंकि जब तक ना करो तो मज़ा नहीं आता, इस वजह से। और ये देखिए फिर मेरी सिस्टर ने भी चाचा जी के फेस पर बहुत सारा केक लगा दिया, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखिए किस तरीके से उन्होंने पूरा फेस उनका कर दिया। और हम लोगों ने बस ये छोटी सी एक पार्टी कर ली घर में, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करा। और ये देखिए चॉकलेट्स वगैरह लिए हुए थे हमने, आपको दिखाया था, और हम लोगों ने फिर चॉकलेट वगैरह खाया। ये आप लोगों ने देखा, ये हुआ एक छोटा सा घर में सेलिब्रेशन था, गेट टुगेदर था, ज़्यादा तो कुछ नहीं, क्योंकि अपने जो सिस्टर है अपने ससुराल भी गई हुई थी, वहाँ से आई थी। आप लोगों को बता दूँ मैं, उनके यहाँ पे भी एक छोटा सा फंक्शन हुआ था, आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसने मेरा पूरा वीडियो वॉच किया होगा तो उसने ज़रूर देखा होगा कि छोटा सा फंक्शन क्यों रखा गया था। और अभी हम लोगों ने खूब सारा इन्जॉय करा घर में, हम भाई बहनों ने मिलकर माशाल्लाह। और क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया, उनकी जो सिस्टर इन लॉ हैं जिठानी है, उनको बेबी हुआ है, तो इसलिए अब वो लास्ट ही डिस्चार्ज होकर आएंगे, तो इस वजह से ज़्यादा कोई बड़ा फंक्शन नहीं हो पाया उनका, हालांकि उनकी ये माशाल्लाह फ़र्स्ट एनिवर्सरी थी, और इस वजह से नहीं कर पाए क्योंकि वो लास्ट ही अभी डिस्चार्ज होकर आएंगे, उनको माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा बेबी हुआ है, बेटा हुआ है उनको, तो इस वजह से नहीं हुआ। और उन्होंने अपने ससुराल में भी सेलिब्रेट किया था, फिर वो यहाँ पर आई, तो हमने भी उन लोगों के लिए एक छोटी सी सरप्राइज़ पार्टी रखी हुई थी। बस यही था आज के व्लॉग में, और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और खूब सारी दुआएँ दीजिएगा मेरी सिस्टर को, सभी को, ऊपर वाला सबके यहाँ ऐसी खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।